हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्नावली 9.1 परिमेय संख्या में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। मैं तुमको थोड़ा पहले इसका बेसिक बता देता हूँ। अब एक ही परिमेय संख्या का मतलब क्या है, जैसे कोई परिमेय संख्या है 1/2, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, इसकी समतुल्य परिमेय दूसरी एक और परिमेय संख्या बना दी, यानी मैंने इसको 2-2 से गुणा किया और ये 2/4 मैंने बना दी, ठीक है ना। अब मुझे ये 1/2 और 2/4 दिखने में बराबर नहीं लग रही है, पर जब मैं 2/4 को एक मानक परिमेय संख्या में बनाऊंगा, यानी मानक परिमेय संख्या में कैसे बनाते हैं, इसमें समान संख्या का भाग दूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको मानक में बनाया, 2-2 का मैंने भाग दिया, क्योंकि इसमें 2-2 का भाग जा रहा है आंसर हर में, ठीक है। तो ये क्या बन गया, वापस 1/2 बन गई ना, तो और ये भी 1/2 है, तो अब मैं इसको बराबर कह सकता हूँ। पर देखने से मेरे को ये नहीं लगता है कि दोनों बराबर है, यही कहीं मेथड इसमें लगाना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं बता रहा हूँ तुमको, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो ये फर्स्ट कह रहा है -7 और 21 और 3/9, ये दोनों बराबर है कि नहीं। अब मुझे देखने से तो पता नहीं पड़ रहा है, पर मुझे इसको बराबर सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई एक ही परिमेय सिद्ध करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों को मानक परिमेय संख्या में बदलना पड़ेगा। मानक का मतलब क्या है कि दोनों इस पहली परिमेय संख्या में आंसर हर में मुझे समान संख्या का भाग देके इसको एकदम सरलतम परिमेय संख्या बदलना पड़ेगा, जिसके बाद इस संख्या में किसी का भी भाग ना जाए, ठीक है। मानक परिमेय संख्या ऐसे बनाते हैं, मानक परिमेय संख्या बना रहा हूँ, देखो मानक परिमेय संख्या कैसे बनाते हैं, मैंने 7/21, तो मुझे समान संख्या का हंस और हर में भाग देना है, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है कि भाग, अब कभी तुमको सब नहीं पता पड़े कि याद नहीं है, जैसे मैं किसका दूं, 2 का दूं कि 3 का दूं, किसका दूं, तो तुम दिमाग में यूं देखना कि जैसे अंश और हर है, यहाँ पे कौन अंश 7, अंश है -7 और 21, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 7 और 21 दिमाग में रखो, ठीक है। अब तुमको समान संख्या ढूंढनी है कि दोनों में भाग चला जाए, तुम ऐसा चेक कर लो कि 7 और 21 किसके पाड़े में आता है, ठीक है। मुझे पता है कि 7 और 21 दोनों जो एक ही संख्या है उसके पाड़े में आता है, 7 के पाड़े में आता है, 7 के पाड़े में 7 आता है और 21 भी आता है, और कोई पाड़ा नहीं जिसमें दोनों एक साथ आए, ठीक है। तो मुझे समान संख्या मिल गई, और जो संख्या अंश हर दोनों में भाग दोगे, ठीक है, मैंने भाग दिया, भाग का चिन्ह 7, भाग का चिन्ह 7, ठीक है। अब 7 में 7 का भाग 1 या माइनस पड़ा है, ठीक है, 7 में 21 में 7 का भाग 3 बार 7 3 21, ठीक है। अब देखो, अब कोई ऐसी समान संख्या नहीं है जिसमें दोनों का भाग जाए, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें दोनों को ये दोनों उसके पाड़े में आए, ठीक है। अब इसके बाद किसी भी संख्या का भाग इसमें दोनों में नहीं जाएगा, तो मुझे -7/21 की मानक परिमेय संख्या मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, 3/9 की भी निकालूंगा, इसका भी मानक परिमेय संख्या बनाऊंगा मैं, वही का वही तरीका। तुमको 3 और 9 में देखना है कि समान संख्या किसका भाग दें, तो उसका निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, तुमको चेक करना है कि 3 और 9 किसके पाड़े में आते हैं, ठीक है। मेरे को पता है कि 3 और 9 3 के पाड़े में आते हैं, तो बस ऊपर नीचे 3 3 का भाग दे दिया आंसर हर में, 3 में 3 का भाग 1 बार और 9 में 3 का भाग 3 बार। अब तुमको चेक करना है, अब इसके बाद इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि -1/3 ये दोनों ये बराबर करके बीच में काटने का मतलब क्या है कि ये दोनों एक ही संख्या को निरूपित नहीं करते, अतः मैं लिखूंगा लास्ट में यहाँ लाइन लिखूंगा मैं, अतः स्पष्ट है कि 2 परिमेय संख्याओं संख्याओं का मानक रूप समान नहीं है। जब मानक रूप समान नहीं होता है तो वह दोनों संख्याएं दोनों दोनों परिमेय संख्याएं समान नहीं होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेकंड क्या कह रहा है, -16/20 और 20/-25। अपन को बताना है कि ये एक ही परिमेय संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, दोनों परिमेय संख्याओं के मानक परिमेय संख्या निकाल देंगे। अब -16/20 का मानक परिमेय संख्या क्या होगी, मुझे समान संख्या का भाग देना है। तो मैंने क्या बोला कि तुम आंसर और को इधर साइड में देखो, 16 एक माइनस को इसको भूल जाओ, और 16 और 20 को चेक करो कि दोनों किस संख्या के पहाड़े में एक साथ आते हैं। तो मुझे पता है कि 4 के पहाड़े में 16 भी आता है 20 भी आता है, तो मैंने समान संख्या 4-4 का भाग दे दिया। याद रखना कि यूं नहीं कि इसमें 4 का दे दो 5 का दे दो, ऐसा नहीं करना है। अंश में अगर 4 का भाग दे दिया तो फिर हर में 4 का ही भाग देना है, और पूरा पूरा जाना चाहिए। 16 में 4 का भाग 4 बार और माइनस का चिन्ह यहाँ पड़ा है, 20 में 4 का भाग 5 बार। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जब तुम चेक भी कर सकते हो कि 4 और 5 किसी भी संख्या के एक साथ पहाड़े में नहीं आते, ठीक है। सेकेंड, अब 20/-25, 20/-25, ठीक है। तो तुमको सबसे पहला स्टेप मानक परिमेय संख्या में बदलना है। मानक बदलने के लिए क्या करोगे, समान संख्या का आंसर में भाग दोगे। तो 20 और 25 किसके पहाड़े में आता है, 5 के आता है, 5 का भाग दिया 4 बार 25 में, माइनस पड़ा यहाँ पे, -5 आ गया, ठीक है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे, अब यहाँ क्या है, -4/5, यहाँ पे क्या है, 4/-5। मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि परिमेय संख्या में अगर दोनों अंश हर में अगर एक संख्या ऋणात्मक है तो इस ऋणात्मक चिन्ह को मैं वापस अंश की तरफ दे सकता हूँ, उसमें कोई उतने फर्क नहीं आता है। तो इसको भी मैं -4/5 लिख सकता हूँ, यानी ये दोनों, इन दोनों के मानक रूप समान है, अतः ये परिमेय संख्या भी आपस में क्या है, समान है। तो हम लिख देंगे नीचे, यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं, अतः स्पष्ट स्पष्ट है कि दो 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 परिमेय संख्याओं का मानक रूप समान है। जब मानक रूप समान होता है तो ये परिमेय संख्या भी आपस में एक ही परिमेय संख्या कहलाती है। तो चलिए इसका थर्ड करते हैं, थर्ड क्या कह रहा है, -2/-3 और 2/3। अब सबसे पहला स्टेप भाई, -2/-3 को मानक में बदलेंगे। अब पहले देखो यहाँ पे इसको सरल कर लो, आंसर हर में अगर माइनस माइनस के चिन्ह हो तो अगर माइनस माइनस भाग में है तो कट के वो प्लस का चिन्ह दे देता है, धनात्मक संख्या बन जाती है। इससे हम 2/3 लिख सकते हैं। अब इस मानक रूप में तो बदलेगा नहीं क्योंकि मानक रूप में ही है, समान संख्या का भाग जाएगा नहीं क्योंकि उनको पता है कि 2 और 3 किसी भी एक साथ पहाड़े में नहीं आते हैं। तो मैं आगे इसको बनाऊंगा नहीं, और नीचे भी 2/3 ही है, इसका मानक रूप यही होता है। वो नीचे लिख देंगे कि अतः स्पष्ट है कि निम्न परिमेय संख्याओं के मानक रूप समान है, अतः ये परिमेय संख्या भी समान है। फोर्थ करते हैं इसका, फोर्थ क्या कह रहा है, -3/5 और -12/20। अपन को बताना है कि ये दोनों परिमेय संख्या एक ही है, तो उसको बताने के लिए इसका मानक रूप, -3/5 का मानक रूप क्या होता है अपन चेक करेंगे। अपन समान संख्या ढूंढेंगे कि दोनों में भाग जाए, ऐसी कोई समान संख्या नहीं है, ठीक है। उसका मानक रूप यही रहेगा। फिर मैंने -12/20 को चेक किया, ठीक है, मैंने इधर लिखा 12 और 20 किसके पहाड़े में आते हैं, मुझे पता है 4 के पहाड़े में आते हैं। तो फिर मैंने दोनों में 4-4 का भाग दिया, 12 में 4 का भाग चला गया 3 बार और माइनस का चिन्ह पड़ा है, 20 में 4 का भाग चला गया 5 बार, ठीक है। तो मैं अब देखो तुमको लिखना है, चिन्ह लगाया, मुझे पता है देखो पहली मानक परिमेय संख्या क्या मिल गई, -3/5, और यहाँ भी मुझे इसमें इसको मानक रूप में बनाया तो मुझे क्या मिला, -3/5 ही मिला। तो दोनों आपस में बराबर है, तो अतः स्पष्ट है
निम्न परिमेय संख्याओं के मानक रूप समान होने के कारण या एक ही परिमेय संख्या की तरफ सिद्ध करता है। तो अपन को ये लिखना है, ठीक है। अब फिफ्थ करते हैं इसका। फिफ्थ क्या कह रहा है, 8/-5 और -24/15। वही का वही स्टेप करना है अपन को। 8/-5 है, सो मानक परिमेय संख्या में बदलना है। एक ही परिमेय संख्या निरूपित करने के लिए क्या करोगे, पहली संख्या को मानक में बदला, दूसरी को मानक में बदला। अगर दोनों के मानक रूप समान है तो वो एक ही संख्या को निरूपित करेंगे। बस इतना ही स्टेप है। बस 8/-5 को चेक किया, 8 और 5 किसी भी एक साथ पहाड़े में नहीं आते, तो मानक रूप इसका वही होगा, ठीक है। मैंने -24/15 को मानक रूप में बदला, मानक रूप में बदला तो चेक किया कि 24 और 15 एक ही पहाड़े में आते हैं, आते हैं। 24 और 15 तीन के पहाड़े में आते हैं, तो मैंने 3 दिन का भाग दे दिया। 24 में 3 का भाग 8 बार और माइनस का चिन्ह यहाँ पड़ा है। 15 में 3 का भाग 5 बार, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैंने ब्रैकेट बनाया और मैंने लिखा, पहली परिमेय संख्या क्या मुझे मिली, 8/-5। दूसरी मानक परिमेय संख्या क्या मिली मुझे, -8/5 मिली ना। मैंने तुमको बताया कि परिमेय संख्या में अपन ऋणात्मक चिन्ह को आंसर और की तरफ एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये बन गया 8/-5। दोनों समान है, अतः स्पष्ट है कि दी गई परिमेय संख्या के मानक रूप समान है, इस कारण ये दोनों परिमेय संख्याएं एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करती हैं। ये आप इसको अतः करके आपको लिखना है, जो जिसमें जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था ना, वैसे की वैसे आपको भाषा के रूप में लिखना है। भाषा के नंबर होते हैं, कृपया करके भाषा जरूर लिखें। अगर भाषा आप नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पूरा पूरा ये लिखें। जैसे कि मैंने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है ना, वैसे का वैसे आपको लिखना है। सिक्स्थ करते हैं इसका, 1/3 और -1/9। तो वही का वही स्टेप, इसको एक ही निरूपित करना है ना। तो फर्स्ट परिमेय संख्या है, इसका क्या करोगे, तो मानक परिमेय संख्या निकालोगे। अब पता है कि इसकी मानक परिमेय संख्या क्या होगी, ऐसा तो कोई पाड़ा नहीं है जिसमें 1 और 3 एक साथ आए, तो वही रहेगी। अब सेकंड की मानक बनाई, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी तुम भाग दो दे ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कोई संख्या ही नहीं कि दोनों में भाग चला जाए, ठीक है। तो फिर अपन क्या मिला, ये 1/3 बराबर, ऐसे अपन बराबर के जो बीच में काटते हैं इसका मतलब है कि बराबर नहीं है, -1/9 के, यानी इनके मानक रूप समान नहीं है। अतः स्पष्ट होता है कि दी गई संख्या के मानक रूप समान नहीं होने के कारण ये दोनों परिमेय संख्याएं एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करती है। ऐसे अपन को लिखना है नीचे, ठीक है। तो मैंने अभी बोला ना, वो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन करते रहें, कुछ नहीं करना है। इसका मानक रूप बनाया, इसका मानक रूप बनाया, दोनों को बराबर करके देखा, बराबर है तो ये एक ही को दर्शाएंगे, बस सिंपल क्वेश्चन है। इसको लास्ट करते हैं, -8/-9 और -5/-9। सबसे पहला स्टेप, पहली परिमेय संख्या कौन सी है, -5/-9, लिख देना मानक रूप में बदलने पर। मैंने इसको बदला। अब देखो मानक रूप से बदलने से पहले चिन्ह देखो, ये चिन्ह आपस में कट रहे हैं, तुमको पता है कि आंसर में भी एक ऋणात्मक चिन्ह है और हर में भी ऋणात्मक चिन्ह है, तो दोनों आपस में कट जाते हैं, ठीक है ना। दोनों होने जरूरी है, एक है तो नहीं कटेगा, दोनों अगर ऋणात्मक चिन्ह है तो आपस में कट जाते हैं और फिर धनात्मक चिन्ह आ जाता है। अब मुझे 5/9 को मानक में बदलना है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में भाग चला जाए आंसर हर में, कि 5 और 9 एक साथ किसी की संख्या के पाड़े में नहीं आते, आप चेक कर सकते हो। तो ये मिल गया। अब सेकंड परिमेय संख्या 5/-9, इसमें भी नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 5 और 9 साथ में है। तो दोनों मानक परिमेय संख्या क्या मिली मुझे, पहले मिली 5/9 और ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये धनात्मक ऋणात्मक है, दोनों बराबर हो ही नहीं सकती। -1/1 थोड़ी कह सकता हूँ मैं, -1/-1 बराबर होता है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो लिखना आता है, स्पष्ट है कि दी गई परिमेय संख्याओं के मानक रूप समान ना होने के कारण यह परिमेय संख्या एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करती है। आपको लिखना है यहाँ पे कि दी गई परिमेय संख्या का मानक रूप में बदलने पर, फिर आपको उसको मानक रूप में बदलना है,
माना को बदलने के बाद नहीं आता है कर्टन ब्रैकेट में, ऐसे लिखना है कि दोनों बराबर नहीं है। फिर हिंदी में अपन को लिखना आता है स्पष्ट है कि जैसा कि मैंने फर्स्ट और सेकंड में बताया था, ऐसा ऐसा लिखना आता है स्पष्ट है दी गई परिमेय संख्याओं के मानक रूप समान नहीं है, इस कारण यह संख्या एक ही संख्या को निरूपित नहीं करती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार लास्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले दोनों परिमेय संख्या को देखा, फिर क्या करोगे इनके मानक रूप में बदलोगे। मानक रूप में बदलने पर दी गई परिमेय संख्या को मानक रूप में बदलने पर फिर पहली संख्या को मानक रूप में बदला, दूसरी को बदला, दोनों को देखा बराबर है तो अपन को लिखना है कि मानक रूप बराबर है अतः एक ही संख्या को निरूपित करती है, नहीं है तो लिखना है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं, बहुत सरल है। सरलतम रूप में निकालना और मानक रूप में निकालना एक ही चीज होती है, तो अपन मानक रूप में निकालना सीख चुके हैं तो वही का वही प्रोसेस दोहराना है अपन को। मैंने 7/6 है तो तुमको चेक करना है साइड में, तुम रफ में लिख सकते हो 8/6 माइनस 7/6 को अपन को आंसर और में समान संख्या का भाग देके तब तक अपन को इसको परिमेय संख्या बनाते रहना है कि जब तक लास्ट में आंसर और में किसी भी संख्या का भाग न जाए। तो सिंपल प्रोसेस है, समान संख्या का भाग ढूंढने के लिए बहुत दिक्कत होती है पर बहुत ही सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। तुमको चेक करना है, एक बार के लिए माइनस भूल जाओ और चेक करो कि 8 और 6 किस संख्या के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो मेरे को पता है कि 2 के पहाड़े में 8 भी आता है और 6 भी आता है, यानी 2 का भाग चला जाएगा। मैंने 2 का भाग दिया, अंश में भी 2 का भाग देना, हर में भी 2 का भाग देना। ऐसा नहीं कि दोनों में अलग अलग संख्या को भाग दे दो, नहीं, समान संख्या का भाग देना है। तो 8 में 2 का भाग 4 बार चला गया, माइनस यहाँ पे पड़ा है, और 6 में 2 का भाग 3 बार। तो इस संख्या का सरल रूप क्या आता, अतः निम्न परिमेय संख्या का सरल रूप -4/3 है। इसका निकल गया, आप सेकंड का निकालते हैं, 25/45। वही का वही प्रोसेस, तुमको चेक करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें आंसर हर दोनों में भाग जाए। ठीक है, तो वही सिंपल तरीका मैं बता चुका हूँ, तुम चेक करो कि 25 और 45 किसके पहाड़े में आता है। अपन को पता है कि 5 के पहाड़े में 25 भी आता है 45 भी आता है, मैंने 5/5 का भाग दे दिया, 5/5। अंश में और हर में दोनों में समान संख्या का भाग देंगे, अपन लिख देंगे अंश व हर में 5 का भाग देने पर। ये लिखना है तुमको हिंदी में, सब लिखना है क्योंकि बाकी हिंदी में लिखने के भी नंबर होते हैं, प्रॉपर पूरी विधि से सवाल करना है। 25 में 5 का भाग दिया 5 बार और 45 में 5 का भाग जाता है 9 बार। तो अतः निम्न परिमेय संख्या का सरल रूप 5/9 है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड को भी सरल रूप में बदलना है, -44/72। सरलतम रूप में बदलना, मानक रूप में बदलना एक ही है। ठीक है, अपन को सरलतम का मतलब क्या है, इसको इतनी बार अंश और हर में भाग दे दो कि लास्ट में ऐसी परिमेय संख्या मिल जाए कि फिर किसी भी संख्या का भाग ना जाए। तो मुझे -44/72 में अंश और हर का भाग देना है समान संख्या का। तुम चेक करो कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 44 भी है और 72 भी है। तो मुझे पता है कि ऐसी 2 है, 2 के पहाड़े में 44 भी आएगा और 72 भी जाएगा। ठीक है, 2 का भाग इन दोनों में जाएगा, क्योंकि देखो भाज्यता का नियम भी तुमने पढ़ाया ना, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है, यहाँ भी 1 के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है, तो इन दोनों में 2 का भाग तो जाएगा। सबसे पहले 2 का भाग दे देते हैं, मैं क्या करूंगा, यहाँ लिख दूंगा अंश और हर में 2 का भाग देने पर। लिख दिया, अब मैंने भाग देना स्टार्ट किया, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया मैंने, दो का भाग दिया मैंने, 44 में 2 का भाग दे दिया 22 बार और माइनस का चिन्ह पड़ा है।
और 72 में जाएगा 36 बार। अभी भी देखो दो दो यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब दो का बार एक और बार जाएगा, तो फिर मैंने दो दो को भाग दिया, यहाँ आ जाएगा 11 माइनस के चिन्ह पड़ा है और यहाँ आ जाएगा 18। अब देखो अब ऐसा कोई संख्या नहीं जिसमें जिसके बारे में 11 भी आता और 18 भी आता हो, अतः सरलतम रूप क्या मिल गया मेरे को, माइनस 11/8। मैं लिख दूंगा अतः निम्न परिमेय संख्या का सरलतम रूप माइनस 11/18 है। ठीक है, अब इसका लास्ट फोर्थ करते हैं। फोर्थ की तरफ सब देखना, फोर्थ क्या कह रहा है, -8/10। ठीक है, अब -8/10 है तो वही का वही प्रोसेस दोहराना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मानक रूप में बदलना है, मानक रूप में बदलने के लिए सिंपल अपन को एक संख्या ढूंढनी है जिसमें अंश उस संख्या का अंश में भी भाग चला जाए और हर में भी चला जाए। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, माइनस को एक मिनट के लिए भूल जाओ, 8 और 10 को साइड में लिख लिया, चेक करो कि 8 और 10 किसके पाड़े में आते हैं, अपन को बता दो के पाड़े में आते हैं, तो दो दो का भाग दे दो और लिख दो यहाँ पे अंश व हर में दो का भाग देने पर, भाग दिया -8/10 भाग दो, 8 में 2 का भाग 4 बार, जरा चिन्ह पड़ा है माइनस का, 10 में 2 का भाग 5 बार। सरलतम रूप ये अपने पास आ गए, सरलतम रूप में लिखना, सरलतम रूप क्या आ गया, बराबर -4/2। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है तुमको, सिर्फ चांस हर को देखना है और चेक करना है किस किस के पहाड़े में आ रहे हैं और उसको छोटा बनाता जाना है और अपन को सरलतम रूप मिल जाएगा। मुझे आशा है कि आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर किसी के फिर भी डाउट है तो वह मुझे कमेंट सेशन में बेझिझक पूछ सकता है, और इस क्वेश्चंस की बिना देखे प्रैक्टिस करें, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो एक बार फिर वीडियो देखें और फिर करने की कोशिश करें। अगर कोई भी इंक्वायरी है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।